हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। रेडी हो स्टडी के लिए? ओपन योर टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 100 ओपन कीजिए स्टूडेंट। अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 आपकी वर्कबुक में लिखवाया था, तो आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 14 आपकी CW और वर्कबुक में कंप्लीट किया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 15, खरगोश और हाथी, ये एक स्टोरी है, चित्र कहानी है। ओके, तो ये आपको ध्यान से सुननी है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। अब इसमें एक खरगोश है और एक हाथी है, दोनों की स्टोरी है। तो खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी कैसा है? बड़ा जानवर। ओके, तो इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। अब यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। तो स्टार्ट करते हो स्टूडेंट कि एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर था, तो एक जंगल बताया गया है यहाँ पे कि एक जंगल था। हमें इमेजिन करना है। ओके, एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर मतलब कि तालाब, पानी जो बोलते हैं आपको। ओके, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गीली मतलब कि भीगी हुई, ठीक है। सरोवर के किनारे, तो तालाब के किनारे गीली जमीन थी। होता है ना पानी वाला, एकदम कैसी जमीन कैसी होती है? गीली होती है, भीगी हुई। वहाँ बहुत से खरगोश रहे थे तालाब के किनारे। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। खरगोश के बिल मतलब के छेद, कुछ पशुओं के रहने का स्थान जिसे खोदकर वे बनाते हैं। खरगोश खुद खोदकर वो अपना बिल बनाते हैं, उनके रहने के स्थान को बिल कहते हैं। ओके, क्योंकि खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे, जमीन के अंदर खोदते और छेद बनाते, उसके अंदर रहते हैं। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। वे दिन भर क्या करते? इधर उधर कूदते रहते और नरम नरम घास खाते। क्या खाते? वे नरम नरम घास खाते। रात को अपने घरों में सो जाते। क्या होता? रात को वो अपने समय पर जाकर अपने घरों में सो जाते और वे सब बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब एकदम खुश थे। तो यहाँ पे एक जंगल बताया गया है। जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे भीगी हुई जमीन थी और वहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहते थे। और खरगोश अपने बिल में, अपने बिल कहाँ थे? जमीन के अंदर थे। और वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते और उनका क्या खाते थे? तो नरम गरम घास खाते थे। और रात को अपने घरों में जाके सो जाते थे और वे बहुत खुश थे। तो आप पहले चित्र में देख सकते हो कि देखो, छोटे छोटे खरगोश हैं, नन्हे नन्हे। वे क्या है कि चित्र में कितने खरगोश दिखाई दे रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खरगोश दिखाई दे रहे आपको और वे इधर उधर आपको कूदते हैं। और कोई खरगोश खड़ा है, कोई खरगोश बैठा है, कोई खरगोश सोया हुआ है, कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं। वे सभी खरगोश आपको दिख रहे हैं ना कि खुश है। और लेकिन खरगोश का सरदार है, वो नाराज बैठा हुआ है। आप देख सकते हो चित्र में, देखो ये खरगोश का सरदार है, वो नाराज बैठा है। अब आगे सुनते हैं स्टोरी। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। वही जंगल में कुछ हाथी रहने के लिए
आ गए। अब हाथियों का झुंड, झुंड मतलब के प्राणियों का समुदाय, दल जो एकदम इकट्ठे होते हैं बहुत सारे, हाँ उसको झुंड कहते हैं। तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। शरारती मतलब के एकदम तूफानी बोलते ना, एकदम वो होते शरारती, शरारत करते, छेड़ते सबको ऐसा। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। क्या करते थे? अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे, और कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा, ठीक है। तो हाथियों क्या कर रहे थे, अपने सूंड से पेड़ तोड़ देते, एक दूसरे के खेल खेल में लड़ पड़ते, और एक कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार कर दे, हाथी को पानी बहुत प्यारा होता है, ठीक है। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते थे, फिर सरोवर में किनारे मिट्टी में लौटते। सरोवर के किनारे वो जो गीली मिट्टी होती है ना, उसके किनारे क्या करते हुए नहाकर मिट्टी में लौटते। फिर नरम जमीन उनके भाव से दब जाती। अब नरम जमीन में वो जो खरगोशों ने अपने बिल बनाए थे वो क्या होते थे, दब जाती थी, तो उनके बिल टूट जाते थे और कई खरगोश परिवार में दब जाते थे। इससे खरगोश क्या होते, बहुत दुखी थे। इससे खरगोश क्या हुए, बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके कोई खरगोश मर जाते, कोई दब जाते, उनकी बिल टूट जाती, इस वजह से क्या हुआ, खरगोश दुखी हो गए। अब दूसरा चित्र नंबर देख सकते हो कि दूसरे चित्र में क्या है। देखो ये चित्र है, ओके। अब ये में क्या है, दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है, ये हाथियों का सरदार है। सामने कितने खरगोश बैठे हैं, तो सामने तीन खरगोश बैठे हैं। खरगोशों ने अपने आगे वाले पैर उठाए, अपने आगे वाले पैर उठाए, और हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार को विनंती कर रहा है कि भाई सरोवर पर पानी में चंद्र का प्रतिबिंब, सॉरी हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई है, और खरगोश ने भी हाथियों के शरारत के बारे में सरदार से विनंती करे कि भाई हाथियों की शरारत करे वो ना करे। और सरोवर में देखो, सरोवर में पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जमीन पर छोटी घास और आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, ओके। अब टर्न योर पेज। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा, उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। अब कुछ दूरी पर बैठे हुए खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर भी नमस्कार का उत्तर दिया। अभी मैंने आपने चित्र में देखा ना कि भाई खरगोश ने भी अपने दोनों पैर उठाकर उनको नमस्कार किया, तो हाथी ने भी सूंड उठाकर उनको नमस्कार दिया। खरगोश सरदार बोला कि हम चांद के भांजे हैं। खरगोश क्या बोला, खरगोश का सरदार, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। अब क्या कहा सरदार ने कि देखो ये चांद, अब चांद में कुछ देख सकते होंगे, तो क्या बोले कि हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो अभी तीसरा नंबर का चित्र देखिए कि चित्र में क्या है। देखो कि चित्र में तीन हाथी है, कितने हैं, तीन हाथी है। सामने तीन खरगोश बैठे हैं। खरगोशों की विनती हाथियों ने मान ली, और हाथियों ने अपनी भूल स्वीकार किया है। अब उन्होंने खरगोशों से माफ़ी मांगी, और सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई देता है, तो हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूर जाने चले जाने का निर्णय किया। अब उसके बाद देखिए नीचे,
मामा रोज सरोवर में आते है। खरगोश क्या होता है, जो आकाश में चंदा मामा होते हैं ना, उसका प्रतिबिंब तालाब में पानी में गिरता है। तो क्या कहते हैं कि मामा रोज सरोवर में आते है, हमसे मिलते हैं और आपस में वे हम आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या क्यों नाराज है, हमने क्या किया है? तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हम अपने घर बनाए है। सुराख क्या होता है, उनका घर छेद, ठीक है। हमने जो सुराख बनाए है, वो घर बनाए हैं, वो आपने आने से सुराख दब गए हैं, जिसमें चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। अब खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। फिर रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे कि पानी कैसे, या पानी एकदम स्थिर नहीं होता है, पानी हिलता डुलता रहता है, वो लहरें आती है ना, ऐसे ऐसे लहरें हिलती है, तो चांद का प्रतिबिंब गिरता है, तो वो चांद का प्रतिबिंब भी लहरें के साथ हिलता है, ऊपर नीचे होता है। तो हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए और खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड उठाई और सभी हाथियों से ऐसा ही किया कि अब सरदार बोला कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं और आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और हाथी के झुंड जंगल से चले गए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आज की डेट और डे मेंशन करनी है। तो पहले तो आपकी CW की नोटबुक में ओपन कीजिए और पाठ 15 खरगोश और हाथी का हेरिंग डालिए और आज की डेट मेंशन कीजिए। फिर आपको पेज नंबर 103 शब्दार्थ लिखने हैं, टिक कर लीजिए आप। और उसके बाद में मुहावरा है एक, कि गुस्से से कांपना तो क्रोधित होना, ये दोनों लिखकर आपको स्वाध्याय लिखना है। टर्न योर पेज, पीछे देखो स्वाध्याय है कि भाई प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करना है कि भाई सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो क्या लिखोगे आप? तो आपको फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वर्कबुक में लिखवाऊंगी, तब आप लिख सकते हो। तो अभी आप टिक कर लीजिए कि स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, ओके। तब तक आप शब्दार्थ और मुहावरा लिखिए, ओके। बाय स्टूडेंट।